जिस तरीके से आजम खान को लेकर जो है अफवाह उड़ रही है मैं उसको सख्ती लेकर, से कहना चाहूंगा कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा वो अपने अल्लाह से डरें, और जिन लोगों ने ये झूठी खबरें फैलाई हैं हम उनकी डिटेल निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह जिला अध्यक्ष जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी, और जिला प्रशासन से भी हम ये मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर नजर रखें और उनके खिलाफ एक्शन लें। दूसरी बात, मैं जानता हॉस्पिटल ने खुद इस बात का खंडन किया है कि जिन लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई है, और मैं आप सभी लोगों से, मीडिया बंधु से और सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि किसी की बातों में ना आए, किसी की अफवाह में ना आए। अगर कोई बात पूछना है तो आप लोग उनके परिवार से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर तजीन फातिमा साहिब है जो मौजूदा शहर विधायक है उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके बड़े सुपुत्र हैं अदीब आदम खान साहब उनसे संपर्क कर सकते हैं, और मेरी भी उनके परिवार से लगातार बात हो रही है। आले जनाब कायद मोहतरम मोहम्मद आदम खान साहब का स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है, और मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि वो रहीम है, वो करीम है, और वो मेरे नेता मोहम्मद आदम खान साहब को बहुत जल्दी ठीक करके, सेहतयाब करके इंशाल्लाह रिहा होकर हम सबके बीच में होंगे। और आदम खान साहब के करोड़ों चाहने वालों से जो पूरी दुनिया में है, और अब्दुल्ला आदम खान साहब के करोड़ों चाहने वालों से मैं जो पूरी दुनिया में, उनसे अपील करूंगा कि दुआओं को सिलसिला जारी रखें। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से कायद मोहतरम आले जनाब मोहम्मद आदम खान साहब और उनके छोटे साहबजादे अब्दुल्ला आजम खान साहब बहुत जल्दी आपके बीच होंगे और ठीक होंगे। जहाँ तक जिन लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई है, मैं फिर उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने अल्लाह से डरें। हम उनकी डिटेल निकाल रहे हैं, अति शीघ्र समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष की तरफ से उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी।